नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज़ में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में आज मानव सेवा समिति द्वारा जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों को कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम मानव सेवा समिति के संयोजक विजय उपल के नेतृत्व में रखा गया, जिसमें बच्चों को गर्म कपड़े एवं कंबल बांटने के लिए कई वरिष्ठ जन यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि मानव सेवा समिति मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और मानव सेवा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। इसी क्रम में आज का यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। आज हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनको हम जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं गुना मानव सेवा समिति की तरफ से। क्या किया आपने आज? हमने जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं शासकीय चिकित्सालय में सबको गर्म कपड़े वितरण किए। रोटरी क्लब गुना के तत्वावधान में आज एक नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्थानीय रोटरी भवन में किया गया, जहां लगभग एक सैकड़ा से अधिक मरीजों की यहां पर जांच की गई, जिनमें से लगभग 60 मरीज ऑपरेशन के लायक पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन हेतु अनंतपुर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि रोटरी क्लब द्वारा यह नेत्र परीक्षण शिविर हर महीने के प्रथम रविवार को यहाँ पर लगाया जाता है। ओपीडी में 100 मरीज देखे, उसमें से 60 लगभग 60 मरीज ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किए। अब इनको लेकर के अनंतपुर जाएंगे, वहाँ पर कल या एक दिन बाद इनकी एग्जामिनेशन होने के बाद तय होगा। महीने की पहले संडे को लगता है, हर महीने फर्स्ट संडे, उसमें रोटरी क्लब में अनंतपुर से आकर के टीम जो है वो आती है वहाँ से, और आज भी करीब 7-8 लोग आए हुए हैं और इन सबने एग्जामिन किया है पेशेंट्स को, सब पेशेंट्स को देख करके, और अब लगभग 60 पेशेंट सिलेक्ट किए हैं। आप इनको सिलेक्टेड पेशेंट को आनंदपुर लेकर के जाएंगे गाड़ी से।
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज इस उत्सव को सप्ताह के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में आज शहर काजी नूरुल्लाह यूसुफजई के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय में कुपोषित बच्चों को फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही शहर काजी ने बताया कि वह सप्ताह भर इसी प्रकार की गतिविधियों का विभिन्न जगहों पर आयोजन करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से इसी प्रकार अपने त्योहारों को मनाने की अपील भी की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के युवा जन उनके साथ उपस्थित रहे। अरे भाई साहब, देखिए आप, जैसा कि आप जानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पूरे विश्व को शांति का पैगाम दिया है। हर एक समाज के हर एक तबके के लोगों को शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे निर्देश हैं हम लोगों के लिए, हम मुस्लिम समाज के लिए, हमारे धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद साहब की तरफ से। और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण करने आए हैं और ये हम पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम करेंगे। इसमें ऐसी हमारी प्लानिंग है कि अभी हमको वृद्धाश्रम भी जाना है, फल कपड़े वपड़े वितरण करेंगे हम उन्हें, जैसे कि सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत रहती है बच्चों को, गरीब बच्चों को, वृद्ध महिलाओं को जो गरीब हैं उनको, हम सब इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे पूरा। आज हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज पूरा एक सप्ताह के रूप में मना रहा है और इस सप्ताह के अंदर हम लोग जैसे आज हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, कुपोषण पुनर्वास केंद्र में, जच्चा खाने में और भी कई सारे वार्डों में आज का कार्यक्रम किया गया है। इसके अलावा हम आगामी दिनों में जो वृद्धाश्रम है और बच्चों के और दूसरे केंद्र हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसेबल बच्चे रहते हैं, वहाँ पर इसी तरह स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर पूरा सप्ताह हम रोज़ाना कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम मनाएंगे जो हमारे समाज की ओर से डिसाइड है। उसी के क्रम में आज हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। भगवान दत्तात्रेय की जयंती के उपलक्ष्य में आज गोस्वामी समाज के द्वारा एक भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। उक्त चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। साथ ही इस विशाल चल समारोह का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। स्वर्गीय नाथूलाल मंत्री जनकल्याण न्यास गुना द्वारा आज एक बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा की गई कि किसी समय विश्व गुरु कहलाने वाला भारतवर्ष आज अपना स्थान प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है व कालांतर में हुई घटनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। इस बौद्धिक गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सदानंद सप्रे उपस्थित रहे, जबकि डाइट प्राचार्य श्याम कुमार वरिष्ठ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। कि मेरा बेटा और बेटी भी ये दोनों गायत्री परिवार ने एक छुट्टियों में संस्कार वर्ग चलाया था
और मैंने इन दोनों को उस वर्ग में भेजा, तो बेटा पिता को सिखा सकता है, लेकिन बेटे ने पिता को क्यों सिखाया? क्योंकि पिता ने बेटे को ऐसे स्थान पर भेजा जहां अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्योंकि हर परिवार में यह नहीं हो सकता है। मेरे बेटे को अच्छे संस्कार देने हैं, ठीक है, मैं उतना सक्षम नहीं हूंगा, मेरे पास उतना समय नहीं होगा, लेकिन मेरे बेटे के विकास के लिए मैं 50 बातें करता हूँ, उसको इस क्लास में भेजता हूँ, उस क्लास में भेजता हूँ, इस ट्यूशन में भेजता हूँ, कोई कराटे क्लास में भेजता हूँ, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो उसके जीवन में अच्छे संस्कार आए, ऐसे स्थान पर हम क्यों नहीं भेजते, क्यों नहीं भेजना चाहिए? एक तो हमने भी उसको उस प्रकार के कुछ संस्कार देने चाहिए कि नहीं, ये बात परिवार बदल रही है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जिसके आधार पर सोच बनती है, और उसकी सोच बनी ही नहीं, ये हमारी पद्धति नहीं है, ये उनकी पद्धति है, ये सोच का फर्क है। तो कहां वो हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए जिद करता था, और कहां वो ऐसा नहीं मंदिर में जाएंगे, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, कहीं अच्छे कार्य को, अच्छे चलने वाले काम को कुछ दान देंगे, भेंट करूं। पूर्व जिला पंचायत सीईओ नियाज अहमद खान के तेज प्रयासों के चलते खिरिया पंचायत के ग्राम बमुरिया से कुछ महीने पहले ही आनन फानन में मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया था, जिसमें रेत की जगह मिट्टी और सीमेंट की जगह राख का उपयोग किया गया है। वहीं 9 इंच की दीवार की जगह महज सिंगल ईंट की दीवार का उपयोग कर बना दिया गया है यहाँ पर चबूतरा, जिस पर चढ़ते ही उसमें से ईंटें धसक जाती हैं। इस प्रकार से खुले तौर पर भ्रष्टाचार पर मुक्तिधाम का निर्माण किया गया है, जिस पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस संबंध में हमारे संवाददाता नितिन शर्मा ने ग्रामीण कोमल सिंह से बातचीत कर गाँव का हाल जाना। ये ग्राम मुरिया की शमशान घाट, इसमें ये ऊपर मिट्टी है, 1 इंची मात्र खड़ंजा था जो कि हमने ये निकाला है, और ये जो 9 इंची की दीवार होना थी वो अभी 4 इंची की है, सिर्फ ये हम देखें 4 इंची दीवार है। धरनावदा से हमारे सहयोगी नितिन शर्मा की रिपोर्ट। धार्मिक ग्रंथों को दैनिक जीवन में उतारने व इसकी सार्थकता को समझने की जरूरत है। उक्त वचन आरओ नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस कथावाचक पंडित रामदयाल शास्त्री ने कथा के दौरान कहे। गौरतलब है कि इस कथा को सुन धर्मलाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरा और भोलेनाथ का तो इतना प्रेम है कि भोलेनाथ मुझसे कभी कपट नहीं करते, और ना मैं भोलेनाथ से मेरे पति से कभी कपट करती हूं। निश्चल प्रेम करते हैं। नारद जी कहने लगे, माता जी तुम्हें इतना विश्वास है, इतना भरोसा है अपने पति पर, तो बताओ माता जी, आपको भोलेनाथ ने कभी बताया कि भोलेनाथ उसके मुंडन? पार्वती जी कहने लगे, नारद जी ये तो मुझे कभी नहीं बताया। तो नारद जी कहते हैं, फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे, फिर क्या प्रेम करते हैं तुम्हें जब यही नहीं बताया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।